वीरगंज में था 69 जने में कोरोना पुष्टि, संक्रमित 6 महीने के शिशु से लेके 97 वर्ष के पुरानिया तक। रौतहट में करंट लाग के एक युवक की मृत्यु, इलाज न करे वाला डॉक्टर के स्थानीय सब घेरलक। कलैया अस्पताल के मेसू डॉक्टर मंडल के स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य में समस्या था, इलाज के खातिर वीरगंज भेजल गई। रौतहट के एक युवक के कोरोना संक्रमण से वीरगंज में मृत्यु। गुणस्तरहीन जगदम्बा स्टील के छड़ बिक्री वितरण में रोक, अब भारत में एक दिन मिलल 78,500 कोरोना संक्रमित, विश्वभर संक्रमित की संख्या 2 करोड़ के पार। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में, वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में बीतल रात विभिन्न स्थान से आयल व्यक्ति सबके स्वाब परीक्षण कैले पर थप 79 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल बाटे। संक्रमण देखल गए व्यक्ति सब पारसा, बारा, मोरंग, काठमांडू के रहल, जिला प्रशासन कार्यालय परसा जनैले बाटे। प्रशासक अधिकृत विनय प्रसाद श्रीवास्तव के अनुसार संक्रमण पुष्टि भइल मध्य परसा के विभिन्न पालिका से 47 जने, बारा के 30 जने या मोरंग, काठमांडू के एक एक जने रहल मानी। थपल संक्रमित 6 महीना के लैका से लेकर 97 वर्ष के पुरनिया तक मानी। 442 जने के स्वाब के परीक्षण कैले पर 79 जने के नतीजा पॉजिटिव आयल, वहाँ के बतैले बानी। रौतहट में करंट लाके एक युवक की मृत्यु भइल बाटे। रौतहट के फतुआ विजयपुर नगर पालिका में मोटर से पानी ताने के क्रम में आज सवेरे करंट लाके युवक की मृत्यु भइल बाटे। करंट लाके बेहोश भइल युवक के इलाज न करे वाला डॉक्टर के स्थानीय सब कुछ देर घेराव कैले रहे। मोटर के तार जोड़े के क्रम में फतुआ विजयपुर नगर पालिका 8 के 16 वर्षीय रविन्द्र शाह के करंट लागल रहे। करंट लाके अचेत भइल शाह के इलाज के खातिर विजयपुर बाजार में रहल एक क्लिनिक में ले गइले पर डॉक्टर भागवत चौधरी रोगी के देखे के न मानल। स्थानीय श्री भगवान शाह जानकारी देल बनी। बाद में थप इलाज के खातिर निगाहपुर ले जाए के क्रम में रास्ता में मृत्यु भइल इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर के सही सुरेंद्र सिंह बतैनी। शाह के मृत्यु बाद आक्रोशित समूह फतुआ विजयपुर नगर स्वास्थ्य संयोजक समेत रहल चौधरी के आधा घंटा घेरले रहलो। घटना बारे छलफल करे के शर्त में डॉक्टर के उद्धार कैल सही सिंह के कहनाम रहल बा। बारा के कलैया अस्पताल के मेसू डॉक्टर वीरेंद्र मंडल के स्वास्थ्य में समस्या देखा गया बटे। श्वास प्रश्वास में अचानक समस्या देखला बाद उनका के कलैया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ना कल गए रहे। स्वास्थ्य में सुधार न भले बाद उनका के थप इलाज के खातिर वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज भेजल गए बटे। अभी वहाँ के नेशनल मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा कलैया अस्पताल के स्टोर कीपर सत्येंद्र यादव जानकारी दिले बनी। धरान में एक दिन कोरोना संक्रमण से माई बेटा की मृत्यु भइल बाटे। बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में आज जान गए वाला दोनों जने के धरान उप महानगर पालिका 17 रेलवे निवासी के घर के बानी। मृत्यु होखला में एक परिवार के सौतेली माई या बेटा बानी। धरान के 74 वर्षीय वृद्ध आ दोसर मृतक 60 वर्षीय वृद्ध पुरुष उपचार के क्रम में मृत्यु भइल प्रतिष्ठान के प्रवक्ता डॉक्टर निदेश साहब कोटा जानकारी दिले बानी। रौतहट के एक 30 वर्षीय युवक के कोरोना संक्रमण से वीरगंज में मृत्यु भइल बाटे। वीरगंज हेल्थ केयर में भर्ना करे के क्रम में उनकर काल सांझिया 7:30 बजे मृत्यु भइल। अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर अतुलेश चौरसिया जानकारी दिले बानी। बीतल विवेक नारायणी अस्पताल में भर्ना कल गेल रहे। ओकर बाद स्वाब परीक्षण कैला पर उनका में संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल रहे। ओकर बाद उनका के वीरगंज हेल्थ केयर में रिफर कल गेल रहे। मृतक युवक के लाश अस्पताल में रखल गेल आ नेपाली सेना टोली व्यवस्थापन करके तैयारी कर रहल बाटे। वीरगंज के महावीर स्थान नजीक अचेत होके बेवारी से अवस्था में लड़ रहे एक पुरुष के हॉस्पिटल पहुँचाल गए बाटे। उनका के स्थानीय समाजसेवी सबके सहयोग में हॉस्पिटल भर्ना कल गए बाटे। अचेत होके सड़क में बेहोश होके गिरल देख के स्थानीय युवा कोविड एक्शन टीम कैट के संपर्क कैले रहे। कैट से तबरेज अहमद के नेतृत्व में गए समूह से उनका के अस्पताल भर्ना करावल गए रहे। उनका के अहमद मानव सेवा आश्रम के दिवेश गुप्ता लगायत सब रिक्शा में रख के अस्पताल पहुँचल रहे। उनका के अस्पताल में भर्ना बाद प्रहरी के जिम्मा लगाल गए अहमद बतैले बानी। सिंधुली के सुनकोसी गांव पालिका 7 मझुआ स्थित गणेश मावी के प्रधानाध्यापक नेत्र बहादुर सुनवार आ अंग्रेजी शिक्षक चित्र बहादुर भंडारी के विद्यार्थी सब पीटले बाटे। एसएससी में कम अंक दिहल कहते विद्यार्थी सब प्रधानाध्यापक नेत्र बहादुर सुनवार आ अंग्रेजी शिक्षक चित्र बहादुर भंडारी के आज कार्यकक्ष में पहुँच के कूटपीट कैल। इलाका प्रहरी कार्यालय खुरकोट जनैले बाटे। विद्यालय से 60 जने परीक्षार्थी के एसएससी में सहभागी करावल गेल है। ओ मध्य 9 जने के नतीजा सी आयल आ उ लोग मध्य 3 जने शिक्षक ऊपर मारपीट कैल प्रत्यक्षदर्शी शिक्षक लोग बतैले बानी। विद्यार्थी सब आक्रमण कैले बाद शिक्षक तथा कर्मचारी सब आंदोलित बनल रहे। उ लोग सुरक्षा के मांग करत अनिश्चितकालीन विद्यालय बंद करैले बाटे।
शंकर ग्रुप अंतर्गत के जगदम्बा स्टील द्वारा उत्पादित फलाम डंडी रड के गुणस्तर कमजोर मिलने बाद सरकार बिक्री वितरण में रोक लगे बाटे। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग से येसु के कंपनी के स्पष्टीकरण पत्र लेके जगदम्बा से उत्पादन कल 16 MM के TMT बार फी 500 रड बिक्री वितरण न करेला निर्देशन दिले बाटे। जगदम्बा से डंडी उत्पादन करला पर मापदंड से कम केमिकल प्रयोग करके गुणस्तर में व्यवस्था कैल मिलला बाद बिक्री में रोक लगावे के विभाग जनैले बाटे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तथा सांसद प्रभु शाह रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका के खेसरहिया में हनुमान मंदिर तथा मठ निर्माण करके घोषणा कैले बानी। सांसद शाह द्वारा मंदिर निर्माण करे वाला कहल गई स्थान में भादो 3 गते संझिया खाना खा रहा बेरिया कंचट में गोली मार के पुजारी श्रीराम शाह की हत्या कर गेल रहे। अपन निजी जीवन प्रति के स्वार्थ परित्याग करके संत बन के सामाजिक जीवन बिता रहा पुजारी शाह प्रति सांसद शाह सम्मान स्वरूप मठ मंदिर निर्माण करे लागल बानी। कोल्भी नगर पालिका वार्ड नंबर 11 थसकौल में भेजा चौधरी के 2 भाई बेटा नेपाल प्रहरी में कार्यरत बानी। चौधरी के जेठ बेटा राजकिशोर काठमांडू और दोसर सप्तरी में जनता के जीव धन सुरक्षा में अहोरात खट रहा बानी, लेकिन यह सुख के रात उनके घर में चोरी भल बाटे। चोर से गेट फोड़ के घर से 24 इंच के एगो रंगीन टेलीविजन चोरी कैले बाटे। प्रहरी के घर में चोरी होके लगला बाद स्थानीय बासिंदा त्रसित बनल बानी। कोरोना महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा आ लॉकडाउन के अवधि में गाँव में चोरी के घटना बढ़ल स्थानीय सबके कहना रहा बाटे। पिछला 24 घंटा में भारत में विश्व में ही सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित मिलल बानी। पिछला 24 घंटा में भारत में 78,472 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इस संख्या भारत में एक दिन पुष्टि भइल अभी तक के सबसे ज्यादा संख्या ह। ये अवधि में अमेरिका में 42,513, ब्राजील में 34,360, अर्जेंटीना में आ पेरू में 9,000 से ज्यादा में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। पिछला 24 घंटा में भारत में ही 944 जने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवा चुकल वर्ल्ड मीटर से उल्लेख कल गेल बाटे। आज सवेरे तक के तथ्यांक अनुसार अभी तक कोरोना के कारण जान गवाने वाले की संख्या 63,657 पुगल बा। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल नवासी मेगा हर्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसी आज सुबह 32 दोपहरिया 36 डिग्री सेल्सियस रहल रहे, आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कैल गेल बा। ऐसी आज सुबह 5:43 में बेर उगल रहे, संझिया 6:26 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। बीरगंज में था 79 जने में कोरोना पुष्टि, संक्रमित 6 महीना के लड़का से लेके 97 वर्ष के पुरनिया तक। रौतहट में करंट ला के युवक के मृत्यु, इलाज न करे वाला डॉक्टर के स्थानीय सब घेरलक। कलिया अस्पताल के मेसू डॉक्टर मंडल के श्वास प्रश्वास में समस्या था, इलाज के खातिर बीरगंज भेजल गई। रौतहट के युवक के कोरोना संक्रमण से बीरगंज में मृत्यु। गुणस्तरहीन जगदम्बा स्टील के छड़ बिक्री वितरण में रोक, आ भारत में एक दिन मिलल 78,500 कोरोना संक्रमित, विश्व भर संक्रमित के संख्या 2 करोड़ के पार। 12 जिला के सिमरनगढ़ स्थित रेडियो बादल नवासी मेगा हर्ष तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पत्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदादी नमस्कार।